गाइज वेलकम टू आवर चैनल। आज है मैच आरसीबी एंड केकेआर का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि गौतम गंभीर हर बात पे विराट कोहली को घसीटता है और उसकी बुराइयां करता है। सो मैं चाहती हूँ आज आरसीबी जीतेगी, आज हमारा बदला पूरा होगा। देखो नो डाउट आई एम ऑल्सो अ विराट कोहली फैन, बट जब बात आती है ना शाहरुख खान की तो केकेआर, तो मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ शाहरुख खान का, तो एनी कंडीशन एनी केस I will always support Shahrukh Khan, so I am supporting KKR. मैं कोहली का no doubt, no hate, मैं बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ कोहली को, but हाँ मैं चाहता हूँ रसेल आज बहुत रन बनाए और कोलकाता मैच जीते। Let's see what happens, guys. हम लोग बिल्कुल रेडी है मैच देखने के लिए। 6:30 बज रहे हैं, अभी मैच शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। तब तक का मुझे घर के थोड़े काम निपटाने हैं, मैं वो निपटाऊंगी और फिर इसके बाद राजा और मैं इंजॉय करेंगे आज का मैच। गाइज कोहली ने 83 रन्स बनाए हैं और जो टारगेट है वो है 182 का। कोहली प्लेड इट वेरी वेल, मैं बहुत खुश हूँ। टारगेट है 183 का, ठीक है। कोहली बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, मैं तो पहले से उसका फैन हूँ तो मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा खेला, बट हाँ अभी एक इनिंग हुई है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड डोंट अंडरएस्टिमेट रसल। और मुझे पता है आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप पे शुरू से बिल्कुल भरोसा नहीं है, इन्हें अगर मैच जीतना है तो कम से कम 200 रन बनाने पड़ेंगे और 200 में भी हार जाते हैं, ठीक है। मैं मतलब ये नहीं कहूंगा हार ही जाएंगे, बट मुझे बहुत अंदर से आ रहा है कि शाहरुख खान जीतेगा। लेट्स सी, मुझे तो लगता है कि केकेआर बना लेगी। पता है मुझे प्रॉब्लम क्या है केकेआर से? केकेआर से मुझे प्रॉब्लम ये है कि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा हेट करता है यार, ऐसा वो वाले प्लेयर को हेट नहीं कर सकते। हाँ, वो बात तो सही है, बट अगर आरसीबी का मैच किसी और से होता ना, सीएसके को छोड़ के तो, और मुंबई को छोड़ के, मुंबई तो नहीं, तो मैं क्या कहते हैं आरसीबी को ही सपोर्ट करता, बट बात शाहरुख खान की आ रही है, भले ही वो आईपीएल ना जीते बट मैं तो सपोर्ट करूंगा। गाइज लेट मी टेल यू कि मैं रोहित शर्मा की फैन हूँ, लेकिन इस मैच में मैं विराट कोहली की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, बट मैं हूँ डाई हार्ट रोहित शर्मा की टीम की फैन नहीं रोहित शर्मा की फैन। आजकल मुंबई इंडियंस से थोड़ा सा भेदभाव चल रहा है मेरा क्योंकि हार्दिक पांड्या उसका कैप्टन बन चुका है, बट वट एवर इट इज हम लोगों का ये है आज की मैच में मैं विराट कोहली को सपोर्ट कर रही हूं। गाइस आईपीएल तो थाला ही जीतेगा, धोनी जीतेगा, आप कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा, क्योंकि मैं धोनी का सबसे बड़ा फैन हूँ, शाहरुख खान का एज ए एक्टर बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मैं क्रिकेट में धोनी का सबसे बड़ा फैन हूँ, तो अगर मैच फाइनल किसी का भी हो बट मैं चाहता हूँ धोनी जीते, और इस बार शायद उसका लास्ट आईपीएल है तो मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि आप लोग बताओ कि आप किसको चाहते हो, कौन आईपीएल जीते। और हाँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सीएसके से, ठीक है, जो अभी का करंट सिनेरियो चल रहा है ना, आई थिंक मैं भी चाहूंगी कि सीएसके ही जीत जाए क्योंकि मुंबई इंडियंस का कैप्टन वैसे भी हार्दिक है, अगर हार्दिक की गाइडेंस में जीतती है मुंबई इंडियंस तो सब हार्दिक बोलेंगे, जो भी चाहे डोंट वांट, बट मैं चाहती हूँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। आरसीबी तो एक भी आईपीएल नहीं जीती, देखो अगर केकेआर पहले निकल जाती है, केकेआर पहले ही निकल जाती है, ठीक है, आरसीबी जाती है फाइनल में और सीएसके, तो मैं सीएसके चूज करूंगा, अदरवाइज माय सेकंड टॉप विल बी आरसीबी, और अगर केकेआर जाती है देन सेकंड टॉप विल बी केकेआर। और आप अपनी बता सकते हैं कि आपकी फर्स्ट फेवरेट और सेकंड फेवरेट कौन सी टीम है? बस राजा बहुत बोल लिए, इतना पसीना पसीना आ रहा है, तुम चुप रहो, ठीक है, डोंट नॉट टॉक, ओके, अच्छी बातें बोलोगे तो शायद पसीना ना ही आए इतना। गाइस गेम हाथ से निकल चुका है, आरसीबी हारने ही वाली है, क्या कर सकते हैं, पर ये तो होना ही था, हमें तो मालूम ही है आरसीबी कहां ही कोई मैच जीत पाती है। अच्छा आवाज मेरी भी आ रही है, तो आपने क्या बोला था कि कौन जीतेगा, ये कैसे बोला था? इसलिए बोला था क्योंकि विराट ने 83 रन बनाए थे। अच्छा हाँ, इसलिए बोला था क्योंकि दे हैव द नंबर 1 बैट्समैन। नो नो no faith in RCB. Out. Just out. Venkatesh out हो गया, but उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Venkatesh 50 रन बना क्या? 50 रन बनाया, बहुत अच्छा खेला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हारेगी। पता है RCB को हमेशा, मैंने पहले बोला था, हमेशा पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, लेकिन टॉस ही हार गए। ये 200 रन बनाएंगे तब भी हारेंगे। Guys, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, वैसे पता है मैं जिस मैच के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब एक्साइटेड हूँ वो है सीएसके और एसआरएच का। वो मैच बहुत बहुत सही होने वाला है, और वो मैच अगर धोनी हार गया तो भैया मैं तो रोऊंगी, सच बता रही हूँ, अगर पैट कमिंस ने एक बार फिर से क्राउड को शांत कर दिया। धोनी को नहीं कर सकता वो,
बस ना ही कर पाए, वरना मेरा ये पहला साल है जब मैं क्रिकेट फॉलो कर रही हूँ। अगर तुम और जो भी तुम मुझे बोल देते हो मुझे इफेक्ट करता है। अगर तुम्हारा धोनी हार गया उसमें सारी इज्जत रखी है वर्ल्ड कप का, अगर थोड़ा बहुत बदला कोई ले सकता है तो धोनी ले सकता है। धोनी के सामने ना कमिंस और मिल्स बहुत आए हैं इसके जैसे, पॉन्डिंग क्या उसके सामने सारे आए हैं, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड है यार सारे में। लेकिन तुझे पता माही है वो, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो हम दोबारा आएंगे, अदरवाइज ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देंगे। बाय।